रुद्रा ने बॉल लेते हुए वरुण को पास कर दिया है और ये गोल, सन सिटी का पांचवा गोल। गो टीम, गो टीम, गो टीम। अपनी टीम ऐसे ही खेलती रही तो मेरी नाक कटते देर नहीं लगेगी। पता नहीं अदृश्यम कहाँ रह गया। तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अदृश्यम कब आता है, कब जाता है, आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो बताओ मुझे क्यों बुलाया है। अदृश्यम, ये मैच देख रहे हो? मेरे खिलाड़ी कितने सालों से सन सिटी के खिलाड़ियों को हराने की कोशिश कर रहे हैं पर हर बार हार जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इनविजिबल होने की शक्ति यूज करके आज मेरी टीम को जितवा दो। बस बस इतनी सी बात? ये तो मेरे लिए चुटकी बजाने से भी छोटा काम है। अरे बॉल कैसे निकल गई? दादाजी ये कैसे हुआ? ये मैच तो काल सिटी ही जीतेगी। ये क्या है? ये बॉल अपने आप कैसे उड़ रही है? जयसिंह की सन सिटी पे पड़ेगी काल सिटी भारी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमारे हाथ से बॉल छीन रहा है? टाइम प्लीज। रुद्र, ऐसा लगता है बार बार कोई हमारे हाथ से बॉल छीन ले जाता है लेकिन वो दिखता नहीं। रुद्र, हमें भी ऐसा ही लगता है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे शक है कि शाकाल अपनी कोई काली चाल चल रहा है। कोई तो है जो हमारे हाथों से बॉल छीनकर काल सिटी के प्लेयर्स को पास कर रहा है, इसलिए अब हम शॉर्ट पास देंगे। बॉल को ज्यादा देर तक अपने हाथ में रखो मत, फौरन पास कर दो और वो जो भी है बॉल को हमसे छीन नहीं पाएगा। ओके ओके। रुद्रा के जादू और उसके दिमाग के आगे कोई नहीं टिकता। तुम भी फेल हो गए। जाओ और इस बेइज्जती को जिंदगी भर याद रखना। मुझे तो इसकी आदत हो गई है। अदृश्यम अपनी बेइज्जती का बदला लेगा और इस तरह लेगा कि दुनिया देखेगी। अब देखना मैं कैसे इसकी जीत की खुशी को हार में बदलता हूँ। ये क्या हो रहा है?
कौन है? छोड़ो मुझे। अरे ये अचानक दादाजी को बंद किसने किया? दादाजी नमस्कार भाई और बहनों, डरना घबराना बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरा नाम है जादूगर अदृश्यम। जय सिंह ने मेरे दोस्त को बहुत परेशान किया है, तो अब थोड़ी सजा तो बनती है। शाकाल मेरे दोस्त, ले जाओ जय सिंह को अपने साथ। तुम शाकाल के दोस्त हो, इसलिए तुम्हें समझाना तो बेकार है। मैं कहता हूँ छोड़ दो मेरे दादाजी को, वरना एक छोटा लड़का अदृश्यम को चुनौती देगा। रुद्रा की उम्र और उसके जादू पे कभी शक नहीं करना। नहीं करूंगा, लेकिन तुम भी जादूगर अदृश्यम की ताकत पे कभी शक मत करना। महल में जाओ और मेरे स्वागत की तैयारी करो, मैं जल्द ही आऊंगा। दादाजी को छोड़ दो। नहीं, कहाँ गए दादाजी? मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं हूँ शाकाल। जय सिंह चौहान, फंस गए ना शाकाल के जाल में। सन सिटी पे कब्जा करने का मेरा सपना आज पूरा होगा। शाकाल, ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए, टूटने पे दुख होता है। कृष्ण, तुम्हारी इतनी हिम्मत? Don't mind, पर अब सन सिटी के साथ साथ काल सिटी भी मेरी हो गई है। मतलब मेरे दोनों हाथ घी में और तुम दोनों रहोगे जिंदगी भर कैद में। ये अदृश्यम तो आस्तीन का सांप निकला। दोस्ती के नाम पर धब्बा है। शाकाल, बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। अदृश्यम, मुझे छोड़ दो प्लीज, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। मुझे जो चाहिए वो मैं खुद ही ले लेता हूँ शाकाल। जोगा सांपोला, इधर आओ। मैं सन सिटी जा रहा हूँ, तब तक इन दोनों पर कड़ी नजर रखना। दोनों में बड़ा याराना है, किसी ने कोई गड़बड़ की तो फौरन मुझे खबर कर देना। जी किंग। बाय बाय। गुड आफ्टरनून अलाजा सर। रुद्रा, मैंने सुना है कि जय सिंह चौहान को अदृश्यम ने कैद कर लिया है। तुम्हारी इमेज यहाँ है, मतलब तुम्हें जरूर मेरी मदद चाहिए। अलाजार सर, दादाजी कहते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सलूशन बुक में ना मिल सके, इसलिए मैं दादाजी को छुड़ाने का तरीका ढूंढने के लिए लाइब्रेरी आया हूँ। अलाजार सर, मुझे उसी सिलसिले में कुछ बुक्स चाहिए। रुद्रा, तुम चिंता मत करो, मैं खुद कुछ बुक्स ढूंढ कर लाता हूँ। थैंक यू अलाजार सर। अलाजार सर बस आते ही होंगे। रुद्रा, इनविजिबल मैजिक पर मैं लाइब्रेरी की सबसे अच्छी बुक्स लेकर आया हूँ। रुद्रा, कुछ मिला? रुद्रा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है। इनविजिबल मैन भले गायब हो जाए, पर उसकी बॉडी उसी जगह पर रहती है। ना तो वो दीवार को पार कर सकता है, ना तो दरवाजे को। अगर उसे बाहर जाना है तो दरवाजे को खोलना ही पड़ेगा। ये बात हमारे काम की है, अब हम अदृश्यम को पकड़ने का प्लान बना सकते हैं। वैसे भी वो खुद ही कहता है कि वो रहता आसपास है पर दिखता नहीं। चलो अब उसको सामने लाने की तैयारी करते हैं।
अलाजार सर, थैंक यू वेरी मच। अब आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ बहुत खतरा है और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। परेशानी कैसी रुद्रा, जय सिंह मेरा सबसे पुराना दोस्त है और तुम उसके ग्रैंडसन हो, इसीलिए मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जब तक जय सिंह वापस नहीं लौट आता, मैं तुम सबके साथ रहूंगा। लगता है अदृश्यम यहाँ आ चुका है। मारा वरुण, तैयार रहना। पैलेस हमारा है। अलाजार सर, उठिए उठिए, आप ठीक तो है ना? रुद्रा, हमें अलाजार सर को लेकर ऊपर जाना चाहिए, वो लौटकर आता ही होगा। अरे कर भला तो हो भला। रुद्रा, तुम लोग ऊपर जाओ, इस अदृश्यम की तो मैं खबर लेता हूँ। कहाँ हो? हिम्मत है तो सामने आओ। लगता है मुझसे डरकर भाग गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बचाओ, मुझे नीचे उतारो। तुम जो भी हो, जब तक चिल्ली यहाँ है, तुम पैलेस का तिनका भी नहीं छू पाओगे। जिबाइस का छू। जय सिंह ने भी क्या अतरंगी फौज जमा कर रखी है। क्या कर रहे हो? मेरे बर्तन और मुझी से खटपट। मैं ठीक हूँ बच्चों। लगता है वो आ गया। बारिश का सिपाही का हाँ। उसने मेन गेट से अंदर आने के लिए बहुत ट्राई कर लिया, मुझे लगता है अब वो छत के रास्ते आने की कोशिश करेगा। अलाजार सर, आप यही रहिए, हम ऊपर दिख कर आते हैं।
रुद्रा, हम ऐसे छुपे हुए क्यों हैं? बाहर चलो, मैं ऐसा मैजिक करूंगी कि वो अदृश्यम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तुम जादू करोगी? नहीं मायरा, ये बाहर जाने का राइट टाइम नहीं है। मेरे पास एक दूसरा प्लान है। इबाइस का हॉट विंगम क्रिएटो। अब जैसे ही वो छत पर पैर रखेगा, उसके पैर जलेंगे और वो दिखने लगेगा। उनको लग रहा होगा कि मैं दरवाजे से आऊंगा, पर अब की बार मैं छत से अंदर जाकर सबको एक ही बार में ढेर कर दूंगा। ये क्या था? क्या मुसीबत है? ये क्या बला है? कैसी रही अदृश्यम? अब भूल से भी इस पैलेस की तरफ आग उठाकर मत देखना। बाइस का बबल गम ट्विस्टर क्रिएटो। रुद्रा, मुझे तो लगता है वो फाइनली चला गया। मैं चेक करता हूँ। मुझे ढूंढ रहे हो? रुद्रा, अपनी उम्र के हिसाब से तुम सच में बहुत तेज हो, पर अफसोस जादूगर अदृश्यम से ज्यादा नहीं। इसने तो रुद्रा को भी बांध दिया। मैं अभी रुद्रा को छुड़ाती हूँ। अंतर मंतर जादू कलंतर फ्री हो। वरुण, मदद के लिए थैंक यू मायरा। नक नक, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अदृश्यम, अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ। मेरे रहते तुम किसी को नुकसान नहीं पहुँचा पाओगे। अलाजार जी, लगता है आप बड़ी फुर्सत में हो, पर मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। अब आप भी बंधने को तैयार हो जाओ। तुमने सही कहा अदृश्यम, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने पहली बार जादू किया और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने कर दिखाया। थैंक यू लाजा सर। मायरा वरुण, सुनो, मेरे पास एक प्लान है। रुद्रा, माना तुम तेज हो, पर मेरे आगे तुम नहीं टिक सकते। अदृश्यम, रुद्रा की उम्र और उसके जादू पे कभी शक नहीं करना। आ जाओ, पकड़ो मुझे। Oh!
मैं घर से नहा कर आया था, फिर से क्यों नहला दिया? अभी तो बस नहलाया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इट्स पार्टी टाइम। मायरा, वरुण, इबाइस्का, जिबाइस्का, बूम, चेक, चेक, बूम। अरे ये क्या मुसीबत है, इनसे लड़ना तो बहुत मुश्किल है। छी, ये कोई, ये बबल गम निकालो। अरे बबल गम से भी कोई फाइट करता है। मैं फिर आऊंगा, याद रखना। दादाजी, दादाजी, थैंक यू रुद्रा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम बहुत अच्छे जादूगर हो। जोगा, जल्दी से कुछ चाय नाश्ता लाओ, हम थक गए हैं। जी मालिक। मालिक के बच्चे, जोगा, सपोला, और कोई मुझे भी तो खोलो। दिवाली बच्चों, हैप्पी दिवाली दादाजी। पटाखे चलाना पर संभल कर। ओके दादाजी। बच गया। अरे इस रॉकेट ने तो मुझे ही चरखी बना दिया। वाह चिंगली थी, क्या नए स्टाइल में रॉकेट छोड़ा है। शाकाल, पार्टी शुरू करो। करता हूँ, बस वो भी आ जाए। वो कौन? हम सब तो आ चुके हैं। वही जिसके आने पर उजाला भी डर कर छुप जाता है। Darkness. कर दूंगा सबको रेस्टलेस। तुम आ गए, अब आएगा पार्टी में मजा। हैप्पी दिवाली। अरे रे रे, पर अपने दोस्तों को क्यों रेस्टलेस करते हो? धूमधाम फटाक।
शाकाल, अपनी पार्टी में बुलाकर ये किस तरह की मेहमान नवाजी कर रहे हो? अरे ना ना, गुस्सा मत हो दोस्त, ये मेरे यहाँ के रॉकेट नहीं है, ये मेरे पड़ोसी सन सिटी वालों की तरफ से आ रहे हैं। जय सिंह वहाँ का किंग है, वो लोग इसी तरह घड़ी घड़ी हर घड़ी मुझे परेशान करते रहते हैं। उन लोगों ने जानबूझकर हमारी पार्टी के रंग में भंग डालने का प्लान बनाया होगा। क्या हाल कर दिया मेरी पार्टी का। शाकाल, दुखी मत हो, उन्होंने हमारी पार्टी को किरकिरा किया है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरे ऊपर, लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के ऊपर पटाखे छोड़े, अब वो नहीं बचेंगे। आई एम द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, जो मुझसे टकराएगा अंधेरों में गुम हो जाएगा। जाने दो लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, उनसे उलझकर कोई फायदा नहीं। जय सिंह चौहान बहुत बड़ा मजिशियन है और उसका ग्रैंडसन रुद्रा भी कुछ कम नहीं है। उनको बड़े बड़े मजिशियंस नहीं हरा पाए। उनका सामना अब तक मुझसे नहीं हुआ है, अब देखना शाकाल। जा मेरे दोस्त जा, यही तो मैं चाहता हूँ कि जय सिंह चौहान को कोई सबक सिखाए। मैं ना सही तुम सही, अंगूर खट्टे हैं पर अच्छे हैं। अंधेरा कैसे हो गया? अरे पूरे शहर की बिजली कैसे जा सकती है? वो ऊपर देखो, वो बड़ी अजीबोगरीब सी चीज है उधर। बचाओ, बचाओ! रोशनी के त्योहार पर इतना अंधेरा कैसे हो सकता है? दादाजी ऊपर देखिए, वहाँ कुछ तो अजीब सा है। रुद्रा वो कोई अजीब सी नहीं, खतरनाक चीज है, मुझे अभी जाकर देखना होगा। दादाजी हम भी चलेंगे। कौन हो तुम? I am the Lord of Darkness. जो मुझसे टकराएगा अंधेरों में गुम हो जाएगा। तुम फौरन इस शहर से चले जाओ, आज खुशी का त्योहार है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई सख्ती बरतूं। सख्ती और मेरे साथ? अकेला नशेरा तू कर दे अंधेरा। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, तुम मेरे शहर पर अपना काला साया नहीं डाल पाओगे। इबाइस्का ज़िबाइस्का डिसअपीयरो। Yeah.
आज का रोशनी का त्योहार जय सिंह और सन सिटी कभी नहीं भूलेंगे। किसी और के कंधे पर बंदूक रख कर चलाने का अपना ही मजा है। जय सिंह चौहान, अगर अपने ग्रैंड सन की सलामती चाहते हो तो अभी फाइट बंद कर दो। नहीं नहीं, मेरे रुद्रा को कुछ मत करना। दादाजी, दादाजी, रुद्रा तुम यहाँ से जाओ, जल्दी निकल जाओ। नहीं दादाजी, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा, छोड़ो मुझे। छुड़ाओ, छुड़ा लो। तुमने हमारे दोस्त को मारा? बड़ा तड़प रहे हो ना अपने दोस्त के लिए, तो ये लो, तुम दोनों भी उसके पास जाओ। जो मुझसे टकराएगा अंधेरों में गुम हो जाएगा। आज से सन सिटी का किंग मैं हूँ। तुम सबको मेरी सेवा करनी होगी, मेरा हर हुक्म मानना होगा। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमारे दादाजी को वापस लाओ। नहीं मानोगे तो तुम भी अपने दादाजी के साथ खड़े हो जाओ। मानेंगे, मानेंगे। हमें लॉर्ड ऑफ डार्कनेस से फाइट करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, वो भी जल्द ही। दादाजी हमेशा कहते हैं, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने घुटने टेक ही देती है। हम भी लॉर्ड ऑफ डार्कनेस को हरा के ही मानेंगे। पर कैसे रुद्रा? कुछ तो करेंगे। फिलहाल हमें कोई शेल्टर देखना चाहिए। मैं मशाल जलाता हूँ। ओफो, ये रोशनी भी लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की तरफ चली गई। रुद्रा अब क्या करें? वरुण, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कैसी लगी मेरी मशाल? अमेजिंग रुद्रा। अभी हमें रात यही कहीं गुजारनी होगी। सुबह होते ही हम लाइब्रेरी जाएंगे, अब वहीं से हमें लॉर्ड ऑफ डार्कनेस को हराने का सलूशन मिल सकता है। दादाजी को लॉर्ड ऑफ डार्कनेस नाम के एक बुरे मैजिशियन ने स्मोक का स्टैचू बनाकर कैद कर लिया है। उससे लड़ने का कोई तरीका ढूंढना है। रुद्रा, उन शेल्फ्स पर डार्कनेस से जुड़ी कई बुक्स हैं। तुम्हें उनसे कोई ना कोई तरीका जरूर मिलेगा। थैंक यू अलाजार सर। वेलकम रुद्रा। लाइब्रेरी के इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे एक ही बात समझ में आती है कि अंधेरे से लड़ने का एक लौता तोड़ रोशनी है। उजाले के आगे कोई अंधेरा ना तो टिका है ना टिक पाएगा। आज के बाद
ये पैलेस, यहाँ की हर एक चीज पर मेरा हक है। मैं तुम्हारा नया किंग हूँ। रात भर लड़ लड़ कर मुझे बहुत भूख लग गई है। जाओ अपने नए किंग के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाकर पेश करो। तब तक मैं अपने पैलेस का राउंड लगा कर आता हूँ। रंगीला, तुम इधर उधर नजर रखो, मैं दादाजी को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। रंगीला, पाइप में पानी क्यों नहीं आ रहा? अपने किंग से गद्दारी। तुम्हें भी कुछ कहना या करना है? नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। कर भला तो हो भला, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाऊंगा। अभी लाता हूँ। शाम तक हमारी सिटी में खुशी और रोशनी का माहौल था, उस लॉर्ड ऑफ डार्कनेस ने क्या हाल कर दिया हमारी सन सिटी का। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, बड़े खुश लग रहे हो। रुद्रा, तुम फिर आ गए। तुम्हें बहादुर कहूँ या बेवकूफ, समझ में नहीं आ रहा जो तुम कल रात का मंजर देखने के बाद फिर मेरे सामने आकर खड़े हो गए। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, मैं क्या हूँ वो तुम मुझ पर छोड़ दो। कल जब तुमने तबाही मचाई थी तब रात थी, पर आज दिन की रोशनी है। और ये मत भूलना, डार्कनेस का भी रोशनी के सामने टिक नहीं पाया है। हिम्मत है तो आओ, मुझसे फाइट करके दिखाओ। बेचारा रुद्रा, उसको नहीं पता कि पूरी सिटी को लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के अंधेरे की चपेट से निकालना बच्चों का खेल नहीं। आई एम लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, जो मुझसे टकराएगा अंधेरों में गुम हो जाएगा। I am the Lord of Darkness. जो मुझसे टकराएगा अंधेरों में गुम हो जाएगा। रुद्रा, तुम मुझसे उम्र और ताकत में बहुत छोटे हो, फिर भी तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो आओ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू में कभी शक नहीं करना। जिबाइस का हो। Device ka boom check check boom। इस लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की डार्कनेस को आज हम रेसलेस करेंगे। अंतर मंतर जादू कलंतर छू। Yeah.
उजाले और अंधेरे की लड़ाई तो बरसों पुरानी है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। तुम भी मत भूलना कि रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह की रोशनियों से चीरते हुए निकल ली आती है। इबाइस का जिबाइस का बूम चेक चेक बूम। ये रोशनी मेरी आंख में चुभ रही है, इसे हटाओ। रुद्रा पता नहीं किस मिट्टी का बना है, उसके सामने मेरा कोई प्यादा नहीं टिक पाता। कोई बात नहीं शकाल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। रुद्रा मेरे बच्चे, तुमने साबित कर दिया अंधेरा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उजाले की चमक के सामने हार ही जाता है।